सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। सैटेलाइट से की जाएगी चीन और पाकिस्तान सीमा की निगरानी, 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को चेताया, शॉर्टकट ना अपनाएं, सभी मुद्दों पर बताएं अपने निष्कर्ष। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्वाड देशों ने भारत पर दबाव बनाना किया शुरू। प्रस्तावित नई पर्यटन नीति को जल्द मिल सकती है मंजूरी, पहले चरण में 100 स्मार्ट टूरिस्ट प्लेस होंगे विकसित। गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू, ग्रामीण इलाकों में ग्रे वाटर को साफ करने और उसके इस्तेमाल पर जोर। अखिलेश यादव और आजम खान का लोकसभा से इस्तीफा, सपा की विधानसभा में मजबूत विपक्ष देने की तैयारी। एटा मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पर्चे खारिज, बुलंदशहर में रालोद प्रत्याशी ने लिया नाम वापस। फरुखाबाद में ग्रामीण की हत्या में पूर्व प्रधान सहित 7 को आजीवन कारावास, रंजिश के चलते 23 साल पहले मारी थी गोली। यूपी में नए शैक्षिक सत्र के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के खास निर्देश, पुरानी किताबों से ही होगी पढ़ाई। अयोध्या में दर्दनाक हादसा, ईयरफोन लगाकर रोड रोलर चला रहे चालक की लापरवाही से युवती की मौत। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन हुई कोरोना पॉजिटिव, बिल भी हुए क्वारंटाइन। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव से संकट में पाक सरकार, देरी की रणनीति अपना रहे इमरान। इसराइल में 4 लोगों की चाकू मारकर हत्या, मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को भी उतारा मौत के घाट। नाटो शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जेलेंस्की को किया गया आमंत्रित, यूक्रेन के हालातों पर होगी चर्चा। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की फोन पर बात, यूक्रेन के साथ हुई शांति वार्ता को लेकर चर्चा। पूर्व भारतीय ओपनर हैरान, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी को रिटेन करने पर जताया आश्चर्य। बल्लेबाजी में फ्लॉप हो रहे धोनी को अब आईपीएल में कहां करनी चाहिए बल्लेबाजी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया सुझाव। जोरदार है लखनऊ सुपर जायंट्स का थीम सॉन्ग, बॉलीवुड सुपरस्टार ने किया वीडियो डायरेक्ट। आईपीएल 2022 से पहले राशिद खान ने ठोका ताल, कहा मैं किसी भी हालत में चिंता में नहीं आता। राजस्थान रॉयल्स के लिए आरसीबी का पुराना ओपनर, बल्लेबाज बनाएगा सबसे ज्यादा रन, आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी। अपनी अगली फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मीजान जाफरी के साथ नजर आएंगी एक्ट्रेस साहिर बाम। नुसरत भरूचा और सनी कौशल का गाना क्या यही प्यार है हुआ रिलीज, दोनों की जुनून से भरी दिखी लाजवाब केमिस्ट्री। 15 साल की उम्र में घर से भाग गई थी कंगना रनौत, आज है फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन। करण जौहर ढूंढ रहे हैं परिणीति चोपड़ा के लिए दूल्हा,
हुनरबाज के मंच पर होगा परी का स्वयंवर। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जारी किया समन, 5 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।